कितने परसेंट मर्द औरतों के शरीर पर बाल देखकर टर्न ऑफ हो जाते हैं? टाइम अप, तो आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। वाओ, 90%। ओके जेंटलमैन, व्हाट्स योर आंसर? ओह, यानी आप थोड़े ज्यादा लिबरल हो। नहीं, प्रिंस ज्यादा लिबरल। प्रिंस आपने कितना दिया है? 80%। 80%, और आपने? 90, मैं लड़कियों के साथ हूँ। गुड, 90, 80। तो आपने इतना ज्यादा परसेंटेज क्यों दिया? मैं आई थिंक दोनों लड़कों को पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि विल यू गेट पुट ऑफ विद अ गर्ल हु हैज बॉडी हेयर? आई हैव अ प्रॉब्लम विद बॉडी हेयर। मतलब ये आर्मपिट्स में बाल नहीं हो सकते यार। तुम्हारी आर्मपिट्स में है ना? नहीं। What? शो। आजा। कंपेयर करते हैं। जनता देखना चाहती है। एग्जैक्टली। करण कुंद्रा के आर्मपिट के बाल देखना चाहती है। ये लेडीज वर्सेस जेंटलमैन का शो है, लेडीज विद जेंटलमैन का शो नहीं है। मैं ऑपोजिट हूँ बिल्कुल। मतलब भाई सिंगल है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। मेरे को लगता है कि शादी के बाद ना ये सब चीजें मैटर नहीं करती। yes. इससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और हैं जो संभालनी मुश्किल है। समझ में आया कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। रितेश भाई समझ सकते हैं ना भाई? मैं तो बहुत समझ। अरे ये मैटर करता है या नहीं करता है वो साइड पे है, आपको क्या पसंद है? अभी सुनो, लॉकडाउन चल रहा था, सब घर पे थे, अब सैलून नहीं जा रहे, अगर उनकी बॉडी हेयर आ गए तो मैं क्या नफरत थोड़ी करूंगा। हाँ, अगर शादी से पहले मैं डेट कर रहा होता, किसी को सिंगल होता तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती। पर मुझे लगता है कि जब तुम साथ रहना शुरू कर देते हो, अपने पार्टनर से कंफर्टेबल होते हो, तब ये चीजें मैटर नहीं करती। या मैं अपना एक्सपीरियंस भी बोल रही हूँ कि मुझे भी बाल मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो बेटर है मेरे लिए। okay. मतलब मैं अपने आप को भी थोड़ी सी ग्रूम्ड ही देखना चाहती हूँ। लाइक टुमारो इफ अ गर्ल हैज अ साइड लॉक शी विल प्रोबेबली लुक अ लिटिल फनियर, आई जस्ट फील। You understand? अगर मुस्टैश भी आ जाती थोड़ी सी तो लड़के पहले बोलते। तुझे किसने बोला करिश्मा सच्ची बताई हो? करिश्मा के साथ हुआ। तो मैं तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हूँ, तो मुझे तो आई तो लव ग्रूमिंग myself। मैंने तो आज तक एक ऐसा लड़का नहीं देखा जिसको बॉडी हेयर पसंद हो लड़कियों में। I've seen all men being all irked out. मतलब उनको हो जाता है। And I also remember जब मैं क्लास 10th में थी तो हमारी टीचर ने सारे लड़कों को बाहर भेज के लड़कियों को बोला था, now you guys should get waxed. And we were very excited. But हमने कभी ये नहीं सोचा यार लड़कों को भी बोलो ना। Yeah. It's unhygienic for them also. उनको भी बोलो, सिर्फ हमें क्यों बोल रहे हो? But I think बचपन से ही ये दिखाया गया है कि girls should be all prim and proper, all clean and you know no armpit hair. No, I think it's a choice कि अगर आपको wax करना, you know, I mean, it is a norm that we all follow it. But agar nahi kiya, it shouldn't be a problem, is what I feel. Wo actually unki shaadi nahi hui na kisi ki abhi. Hone 2-4-5 saal baad puchna ye sawal. Itna to kar sakte hai na apne husband ya apne boyfriend ke liye. Bhai, agar nahi pasand teri armpit mein mere ko baal, to tu ya to fashion follow kar le ya mere saath reh le. Kaise hoga? Matlab, agar aapka arranged marriage ho raha ho, to aap ladki ka chehra dekhoge aur fir bologe ek photo aise dikha. नहीं करण, ऑलरेडी इमेजिन कर रहा होगा ये ग्रूम्ड होगी। हाँ, मैं पहली छांट लूंगा कि ये लड़की पक्का अपने आर्मपिट हेयर वैक्स करती है। दैट इज सो रूड। नो, अब ये तो वहां अंदर से आ रहा है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये है आपकी सोच, ये है आपकी सोच। आइए देखते क्या है इंडिया की सोच। इंडिया कम ही देने वाली, देख। हाँ, प्रोग्रेसिव इंडिया। इंडिया की सोच है 60%। कहाँ डूब जाए हम लोग? नहीं, प्लीज मत डूबो यार। तुम लड़कियां होप हो। ओनली ऑन फ्लिपकार्ट विद यू। वॉच प्ले विन नाउ।